बीसीसीएल प्रबंधकों द्वारा कर रहे हैं रैयतों के साथ शोषण, नहीं दे रहे हैं रैयतों का हक व अधिकार। आज घटवार गढ़वाल आदिवासी महासभा के प्रदेश संयोजक सहदेव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहदेव प्रसाद सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए कहा, जयराम डी राय बस्ती के विस्थापितों को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक दो प्रबंधन एवं एमपीएल प्रबंधन ग्रामीण रैयतों के साथ शोषण एवं जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। रैयतों का हक और अधिकार के बदले प्रबंधन आज तक झूठा आश्वासन पर आश्वासन के सिवाय ग्रामीणों को कुछ नहीं दिया, बल्कि अग्नि एवं भूदजान में जिंदगी और मौत से जूझने के लिए सिर्फ छोड़ दिए, जो शर्मनाक है। बीसीसीएल रैयतों के लिए काल बन गई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रैयतों की जमीन पर चल रहे मुकदमे के बाद भी उक्त जमीन पर बीसीसीएल उत्खनन कार एमपीएल के द्वारा करवा रही है, जो मामला न्यायालय में लंबित है। वह जमीन हम लोगों का खतियानी जमीन है तथा आज तक झारखंड सरकार को मालगुजारी भी देते आ रहे हैं। निचली अदालत सर्वे कोर्ट तथा सिविल कोर्ट रैयतों के पक्ष में अपना फैसला सुना चुकी है, फिर भी बीसीसीएल इन रैयतों के नियमानुसार जो अधिकार बनता है वह देना नहीं चाहती है। दिनांक 12/3/2022 को चक्का जाम आंदोलन हुआ था, जिसमें ब्लॉक दो जीएम के साथ एक लिखित समझौता भी हुआ था कि एक माह के अंदर सभी रैयतों को नियोजन एवं मिलने वाली सुविधा मुख्यालय भेजा जाएगा, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ। प्रबंधन समस्या का हल करती है तो ठीक है, और नहीं तो आगामी दिनांक 3 मार्च 2023 से ब्लॉक दो का चक्का जाम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया जा रहा। सबसे पहले सभी आप चैनल वालों सबको हम ग्रामीण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहदेव प्रसाद सिंह और जयराम डी राय बस्ती का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं घटवार आदिवासी महासभा का प्रदेश संयोजक हूं। आज जो प्रेस वार्ता जो आज हम लोग का रखा गया है, आज हम लोग का समाज के सभी वरीय पदाधिकारी और प्रखंड के जितने अध्यक्ष सचिव सभी लोग आए हुए हैं, और इस ज्वलंत मुद्दा को लेकर आज हम लोग पत्रकार कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि पिछले 1990-91 से ही मतलब है कि जे इन गांव के ज़मीन को बीसीएल द्वारा अधिग्रहण की गई है, और लगातार घटवार आदिवासी महासभा इस मुद्दे पर गंभीरता से हमेशा आंदोलनरत रहा है इन लोग का अधिकार दिलाने के लिए, और हर बार है कि जब बीसीएल प्रबंधन की तरफ से आश्वासन ही इस वक्त के लिए मिला है, आज तक इन लोग का अधिकार नहीं मिला है। बाध होकर के पिछले हम लोग 3/2/2022 को हम लोगों ने बाध होकर चक्का आंदोलन का घोषणा किए थे जनता मजदूर संघ के बैनर तले और घटवार आदिवासी महासभा के संयुक्त बैनर तले, और हम लोगों ने चक्का जाम किया था। उसमें जीएम कार्यालय में ये बात हुई थी लिखित समझौता में कि आप लोगों की मांग जायज़ है और एक महीने के भीतर आरआर पॉलिसी के तहत जो नियोजन बनती है और उसके अलावा जो विस्थापितों की बेनिफिट मिलती है वो हम लोग दे करके इस डेंजर जोन से इस बस्ती को खाली करा करके हम लोग सुरक्षित स्थान में बसाने का हम लोग काम करेंगे। और इसी लिखित आश्वासन के साथ हम लोगों ने अस्थायी रूप से आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर जब प्रबंधन की टाल मोट रवैया अपनाते चले, हम लोग ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, और आजकल करके फिर से हम लोग को 9 महीना है कि जो समय को गत किए, फिर बाध्य होकर के हम लोगों ने चक्का जाम आंदोलन का घोषणा किया। उस समय फाइनली अंतिम मौका प्रबंधन की तरफ से हम लोग को मांगा गया कि इस बार हम लोग को 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के भीतर हम इन मांगों को हम सकारात्मक पहल करेंगे देंगे, और निश्चित रूप से है कि जैसे डेंजर जोन में जो रह रहा अग्नि भू धसान प्रभावित क्षेत्र में इन लोगों का नियत्र हम लोग सुरक्षित जगह में बसाने का काम करेंगे। उस समय भी हम लोग अपना मानवता को दिखाते हुए राष्ट्रहित में को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किए। उसके बाद भी आज फरवरी माह लगभग 2 महीना बीतने चली है, प्रबंधन इस पर किसी तरह का कोई ठस पहुँच लेके फिर शांत कर, अब हम लोग किसी भी झांसे में प्रबंधन के किसी भी झांसे में हम लोग आने वाले नहीं हैं, और हम लोग आसार आश्वासन के बीच हमारी इंसाफ मतलब दफन होते देखिए अंतिम हम लोग मरता क्या नहीं करता आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य हो गया। इस बार बिना हक अधिकार लिए हम लोग आंदोलन से हम लोग उठेंगे नहीं, उससे कदम हम लोग नीचे हटेंगे। कितना परिवार है यहाँ? परिवार कम से कम 30 परिवार हैं, और करीब करीब 75 से 100 लोग यहाँ निवास अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जिस तरह से माहौल यहाँ बनी हुई है, चारों तरफ प्रदूषण का हवा है और जहरीली गैस रिसाव के कारण यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और भयंकर बीमारी के कारण लोग चल बस भी रहे हैं, और प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। लेकिन इस बार हम लोग है कि निश्चित रूप से है कि कुंभकर्णी नींद को हम लोग तोड़ेंगे भी, और इन गांव का अधिकार हम लोग दिलाएंगे। प्रक्रिया कैसे चल रही है? ये प्रक्रिया 90-91 से चल रही है, लेकिन पिछले 6 महीना से हम लोग बहुत काफ़ी तेज गति से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं।
कितने रैयत का जमीन अभी तक जा चुका है? अभी यहाँ मूलतः 3 रैयत हैं जिनका 9 एकड़ कुछ जमीन है और 1 एकड़ 26 डिसमिल बीसीएल के द्वारा अधिग्रहण की गई है एलएच द्वारा और बाकी जमीन को वेस्टेड बोल करके केस गया था लेकिन हर न्यायालय में बीसीएल हार गई है। अभी बीसीसीएल है कि जो नौकरी देने के लिए सहमति तो बनाई है लेकिन उस पर कोई ठोस पहल नहीं की है और इससे हम लोग काफ़ी मैंने आक्रोश में है और हम लोग इस बार हर हाल में अपना नौकरी और इन लोग को अधिकार दिला के ही हम लोग एक आंदोलन को समाप्त करेंगे। विस्थापित हुआ था क्या अभी तक कोई? अभी तक कोई विस्थापित नहीं हुआ है। यहाँ पे कई सारे घर हैं जो मतलब भूदशा के करीब जा चुके हैं। यहाँ करीब करीब 35 घर है और 35 घर में वर्तमान में अभी 15 से 20 घर हैं, बाकी तो भूदशा के चपेट में जम्मी दोज हो चुके हैं। ब्लास्टिंग भी होता है? ब्लास्टिंग भी होती है तो हर घर में है कि जो दरारें पड़ गई है, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकती है। इसके बाद भी है कि जब प्रबंधन किसी भी तरह का कोई ठोस पहल नहीं कर रही है, न प्रबंधन की तरफ से कोई ऐसी हम लोग को मैंने निर्णय हुई है कि जो हम लोग उम्मीद करें कि जो प्रबंधन इस दिशा पर बहुत जल्दी हम लोग को काम करेगी। इससे पहले चक्का जाम कभी हुआ था क्या? इसके पहले हम लोगों ने लगातार 2 बार चक्का जाम हम लोग किए हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। और अभी वर्तमान में जो कंपनी अभी जो चल रही है वो हम लोग को जमीन पर चल रही है, ट्रांसपोर्टिंग भी चल रही तो हम लोग को जमीन पर चल रही है। इसलिए हम लोग है कि इस बार राष्ट्र हित में हम लोग इतनी बड़ी त्याग के बाद भी बीसीसीएल हमारी हक और अधिकार नहीं दे रही है। फिर भी अगर आप लोग का बात नहीं मानती तो क्या? हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा, हम अपनी जमीन पर काम बीसीसीएल या आउटसोर्सिंग का काम चलने नहीं देंगे।